दोस्तों, क्या आप जानते हैं रतन नोबल टाटा की एक अनोखी कहानी के बारे में? जी हाँ दोस्तों, वो कहानी एक खास कहानी है। जी हाँ दोस्तों, ये रतन टाटा आप तो जानते हैं, एक सफल बिजनेस टाइकून है। पूरे वर्ल्ड के सफल जो बिजनेसमैन हैं उनके लिस्ट में रतन टाटा का नाम आता है। लेकिन एक खास बात एक और भी है कि रतन टाटा ने कभी जिंदगी में शादी नहीं की। जी हाँ दोस्तों, किसी एक इंटरव्यू के जरिए रतन टाटा ने कहा था, एक लड़की से वो प्यार करते थे एक समय। वो समय कब था? जब रतन टाटा अमेरिका में पढ़ने के लिए गया था। उधर पढ़ाई के दौरान किसी एक लड़की से उनका मोहब्बत हो गया था और वो मोहब्बत शादी तक पहुंचने के पहले रुक गया। एक ही कारण, रतन टाटा की जो दादी है वो दादी बीमार पड़ गए थे और रतन टाटा उनके दादी को देखने के लिए अमेरिका से भारत लौट आए थे। उसी के बीच ऐसा कुछ हालचाल हुआ है जिसका सीक्रेट रतन टाटा ने कभी खुला नहीं, यानी ये राज कभी किसी को बताया नहीं। वो राज यही है, यानी उस लड़की से और कभी मिल पाए नहीं। इसी तरह रतन टाटा का लव लाइफ का एंड हुआ है। और दोस्तों, एक बार रतन टाटा 85 साल की उम्र में पिछले रात को उसका निधन हो गया, लेकिन वो कुंवारा रह गया, वो जिंदगी में कभी शादी नहीं। दोस्तों, टाटा ग्रुप के प्रमुख ब्रांड में से जागुआर, रेड रोवर, एयर इंडिया, TCS, टाटा मोटर्स, टाटा नमक, टाटा चाय, टाटा प्ले, टाइटन, स्टारबक्स, वोल्टर्स, टाटा BMNG, टाटा कैपिटल, टाटा AIP, टाटा AI लाइफ, जारा, फर्स्ट ट्रक, तनिष्क, कार्फिट, ये सारे कई बड़े बड़े ब्रांड टाटा कंपनी में शुरू हुआ था। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, टाटा एक बड़े बड़े कलरशिप के उद्योक्ता भी है। गरीब जो बच्चे हैं जो पढ़ाई के लिए अपने पैसे खर्च नहीं कर पाते, उन सब बच्चों के लिए टाटा ने बहुत बड़े बड़े स्कीम चालू रखा है, जिसके स्कॉलरशिप के रूप से पूरे भारत के ही नहीं, भारत के बाहर भी कई राज्यों में कई बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये टाटा कंपनी बहुत अहम था और अहम है।